हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नोब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स की। अब CSS सेलेक्टर्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं CSS सेलेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं CSS के अंदर। जब भी आप वेब डिजाइनिंग सीखते हो, वेब डेवलपमेंट सीखते हो, तो सेलेक्टर इज द मेन इंपॉर्टेंट की जिसको आपको अच्छे से आना चाहिए। आज मैं आपको तीनों सेलेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं इसी एक वीडियो के अंदर, तो काइंडली इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो भाई सबसे पहला होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर, जैसे मान लीजिए अगर मैंने पैराग्राफ यूज करा है, ठीक है, तो हम उसी को पॉइंट करके CSS के अंदर हम प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। सो गाइस लुक एट दिस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल कोड कर रखा है और ये मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट ले रखी है और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ CSS वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको देख के आना, सारी सिमेट्री वीडियोस को देख के आना, तभी इस वीडियो को आप देखें, अगर आपको टाइप्स ऑफ CSS के बारे में ज्ञान नहीं है तो। इसलिए कह रहा हूँ देख के आना, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको पैराग्राफ का एग्जाम्पल दिया था, पैराग्राफ लेंगे यहाँ पे, नो डाउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी लिया, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्नोब्रेन्स, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे सेव करेंगे सिंपल और जाएंगे हम अपने आउटपुट पे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सिंपल टेक्नोब्रेन्स देखो लिखा आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे CSS के अंदर, अब ये हमारी CSS फाइल है, एक्सटर्नल CSS फाइल, अब यहाँ पे P को पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो P को पॉइंट करा मैंने और ओपन क्लोज करा ब्रेसिस, ये CSS के लिखने का तरीका है, मैंने आपको हर वीडियोज में बताया है, ठीक है। तो ब्रेसिस ओपन क्लोज करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दूसरे चेंज नहीं करने हैं, ये वाले कभी ब्रैकेट कर लो, ये वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ब्रेसिस ही यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज, ठीक है, मैंने फॉन्ट साइज लिखा, कॉलन लगाया और यहाँ पे मैंने कर दिया 60 पिक्सल, कि मैं 60 पिक्सल साइज चाहता हूँ फॉन्ट के मेरे पी टैग का। और ये स्टाइल शीट देखो यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है हरीफ में, ठीक है, कनेक्टेड है। अब P लिखा है सिर्फ मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे टैग में क्या था, सिर्फ P, तो मैंने P को पॉइंट करा है, इसको कहते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। जो भी हमारा टैग होता है उसको हम CSS के अंदर पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर। तो अब देखो आउटपुट में हमारा जो फोन साइज है ना वो 60 पिक्सल हो गया होगा, मैं सेव करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे हम आउटपुट में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो लुक एट दिस, इसका फोन साइज 60 पिक्सल हो गया है। तो अभी और भी कुछ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार इसका जो कलर है ना, फॉन्ट का कलर वो चेंज हो जाए, मैं कर लेता हूँ मान लीजिए ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है CSS की, दैट इज कॉल्ड कलर, ठीक है। और मैं कलर्स के ऊपर CSS की वीडियो एक डेडिकेटेड बनाऊंगा, तो आप उसके लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे ब्लू वॉलेट, ब्लू वॉलेट कलर करता हूँ मैं, सेव, एंड यहाँ पे जाएंगे रिफ्रेश कर देंगे तो लुक एट दिस, ये कलर हमारा आ चुका है, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर। सो गाइस अब हम करेंगे क्लास सेलेक्टर। सो गाइस क्लास सेलेक्टर का क्या बेनिफिट है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल तो हम इसका करेंगे अभी, बट ये क्यों यूजफुल है। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग लिया, तो मैंने पैराग्राफ में प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, लेकिन अगर मुझे सेम प्रॉपर्टीज किसी और एलिमेंट में अप्लाई करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा वो एलिमेंट लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मार्क्यू में असाइन करनी है तो दोबारा मैंने CSS के अंदर मार्क्यू लिखना पड़ेगा और दोबारा वो प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर मुझे हेडिंग में वही सेम प्रॉपर्टीज चाहिए, जो फॉन्ट साइज 60 और मैंने जो कलर दिया था ब्लू वॉलेट वही मुझे हेडिंग में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा हेडिंग 1 मुझे असाइन करना पड़ेगा CSS के अंदर, ठीक है, और वहां पे दोबारा प्रॉपर्टीज मुझे देनी पड़ेंगी, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल और कलर ब्लू वॉलेट, ठीक है। बट क्लास इस तरीके से काम नहीं करती है। क्लास में क्या है कि अगर आपने एक क्लास बना दी कि आपने फॉन्ट साइज 60 पिक्सल दे दिया और कलर ब्लू वॉलेट दे दिया या कोई सा भी आपने कलर दे दिया और वही प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग एलिमेंट्स में चाहिए, मान लीजिए आपने एक मार्क्यू बनाया, मार्क्यू के अंदर भी वही चाहिए, हेडिंग बनाई है, हेडिंग में वही चाहिए, पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ में भी वही चाहिए, तो क्या है आपकी एक क्लास बन गई और उस क्लास की प्रॉपर्टीज आप अलग अलग एलिमेंट्स में कॉल कर सकते हो। ये हमारा बेनिफिट होता है सबसे ज्यादा क्लास का। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे होगा, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस ठीक है गाइस, हम अपने प्रैक्टिकल शीट पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ, राइट, और मैंने H1 लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने माई क्लास, ठीक है, सेव करूंगा।
अब यहाँ पे CSS में हम H1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो एलिमेंट सेलेक्टर था। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास सेलेक्टर। तो हम क्लास सेलेक्टर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम टैग के अंदर, समझ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल भी चूक मत करना आप लोग, कि HTML के टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे CLASS क्लास। क्या कह रहे हो, क्लास की स्पेलिंग तो आती है सर हमें मैंने बता दिया यार, जस्ट चिल मैन। ठीक है, तो हम क्लास लिखेंगे ऐसे, क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया ABC, ठीक है, मैंने यहाँ पे ABC दे दिया। आप क्लास का नाम जो मर्जी दे सकते हो, बट रिमेंबर दिस, नंबर्स यूज नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग नंबर्स यूज करने लग जाते हैं, वहां पे थोड़ा काम खराब होना शुरू हो जाता है। तो आप प्लीज अल्फाबेटिकल क्लास नेम रखना, और क्लास नेम ऐसा रखना जो आपको समझ में आए। ठीक है, अगर मैं जैसे मान लीजिए ABC के अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FAIZ, अपना नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल ABC कर देता हूँ वापस। ठीक है, ABC। अब इसको CSS पे कैसे करेंगे, तो क्लास को हमेशा डिनोट करते हैं CSS के अंदर डॉट से, ये बात याद रखना, क्लास को हमेशा डिनोट करते हैं CSS के अंदर डॉट से। तो मैंने लिखा डॉट, यानी कि क्लास है कोई सी, कौन सी क्लास है, ABC क्लास है, ABC। ठीक है, और मैं इसके ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दूंगा, और मैंने यहाँ पे एंटर करा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब वैल्यू असाइन कर दूंगा H1 को, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन, ठीक है, और कलर लगा दूंगा। तो देखते हैं हमारा कैसा आउटपुट आ रहा है। मैं तो गाइस रिफ्रेश करते ही ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो फॉन्ट साइज 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब यही चीज मुझे P में लानी है। अब मैं P टैग लिखूंगा, देखो, ठीक है, मान लो मुझे P टैग चाहिए यहाँ पे, और मैं लिखा टेक्नोक्रैट यूनाइटेड। ठीक है, अब यही सेम प्रॉपर्टीज मुझे P टैग में चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं अगर एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे CSS के अंदर P लिखना होता, फिर कॉलन लगाना होता, फिर वही प्रॉपर्टीज असाइन करनी होती। सो गाइस CSS का मैंने आपको क्या बताया, कि अगर हमने एक बार CSS बना ली तो उसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज यानी कि उसे बार बार यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे P टैग ले लिया, ठीक है, मैंने P टैग ले लिया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्नोक्रैट यूनाइटेड। ठीक है, तो अब मैं इसमें सेम वही क्लास कॉल कर दूंगा जो हमने यहाँ पे ABC बनाई थी, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं फॉन्ट साइज बैकग्राउंड कलर, ये बिल्कुल सेम ये हमारे P टैग में आ जाएंगी सिर्फ और सिर्फ क्लास कॉल करने से। अब कैसे कॉल होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स, क्या थी हमारे क्लास का नाम, ABC। सेव करेंगे और चला के देखेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, लुक एट दिस। ठीक है, बिल्कुल सेम, साइज भी वही आ गया और बैकग्राउंड कलर भी वही आ गया। और देखिए हमने दोबारा प्रॉपर्टीज असाइन नहीं करी हैं, बिल्कुल भी नहीं करी हैं, सिर्फ ये वाली जो हमारी एक बार क्लास बनी हुई है हमने इसके अंदर कॉल कर दिया है, सिंपल। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ क्लास, हम कितनी भी चीजें कर सकते हैं क्लास के थ्रू। अब मान लीजिए मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्क्यू टैग, मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, मान लीजिए टेक्नोब्रेन्स ही लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा मैंने यहाँ पे क्लास कॉल कर दी, क्लास कॉल्स टू डबल कोड ABC। ठीक है, सेव करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, यहाँ पे मार्क्यू टैग लग चुका है, और आप देखिए वही फॉन्ट साइज और वही बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास का यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे ID की। ID क्या है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टर है CSS के अंदर, और गाइस ये ज्यादातर यूज किया जाता है यूनिक एलिमेंट को लेकर या फिर यूनिक पेज को लेकर। अगर आपको कोई यूनिक पेज है और उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टीज असाइन करनी है तो हम ID का यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जो पेज के अंदर यूनिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उसको आपको यूनिक प्रॉपर्टीज देनी है तो आप ID का यूज करते हैं। ऑल्दो हम ID का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट जब हमारे पास मल्टीपल यूज करने के लिए क्लास है तो ID का क्यों यूज करेंगे, ID का तभी यूज करेंगे जब आपको एक यूनिक एलिमेंट या फिर यूनिक पेज पे कोई
अलग यूनिक काम करना हो तभी हम आईडी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी आप बिगिनर हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे प्रो बनेंगे, तो अभी के लिए आपको ये समझना आना चाहिए कि आईडी हम कब यूज करेंगे, इतना आप समझिए। फिर धीरे धीरे आप अपने हिसाब से जब वेब डिजाइनर बनोगे तो आपको धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सो आईडी को डिनोट करते हैं सीएसएस के अंदर हैशटैग्स। यस, हैशटैग डिनोट करता है आईडी को। आप कैसे करेंगे तो हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस लुक एट दिस, हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने सीएसएस के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज लूंगा, वो है हेडिंग। ठीक है, मैं H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्नो ब्रेन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, यहाँ पे टेक्नो ब्रेन्स लिखा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आईडी का यूज करेंगे क्योंकि ये एक मेरी हेडिंग है, इसमें मैं यूनिकनेस रखना चाहता हूँ और अलग प्रॉपर्टीज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। ठीक है, जैसे हमने क्लास लिखा था वैसे आईडी इक्वल्स टू डबल कोट्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेडिंग, या कुछ भी आप लिख सकते हैं आईडी को डिनोट करने के लिए। अब हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब मैं सीएसएस के अंदर आऊंगा। सीएसएस में डिनोट किससे करते हैं, आईडी को हैशटैग से और क्लास को डॉट से। ठीक है, तो हैशटैग है हमारे पास, आईडी है, तो हैशटैग मैंने लिया और मैंने क्या नाम रखा है आईडी का, हेडिंग। ठीक है, और ब्रेसिस ओपन क्लोज, ब्रेसिस ओपन क्लोज तो करने ही है, आप कुछ भी कर लो, इट्स अ सिंटैक्स ऑफ सीएसएस। अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट हो वो सेंटर में हो जाए। ठीक है, मैंने सेंटर में कर दिया है इसको और मैं इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इसका हो जाए 70 पिक्सल। ठीक है, एंड इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक। ठीक है, मैंने ब्लैक कर दिया एंड इस टेक्स्ट का जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्नोवेज, इसका कलर क्या हो जाए, वाइट। तो मैं यहाँ पर कलर लिख दूँ कलर वाइट। ठीक है, सेव करूंगा, यहाँ पे भी मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करूंगा और रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ पे आउटपुट है। तो लुक एट दिस, कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे पास आ रहा है यूजिंग आईडी। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आईडी लिखा है और आईडी का नाम लिखा है, और ऐसे ही सीएसएस में हमने आईडी को डिनोट किससे किया है, हैशटैग से, और आईडी का हमने नाम लिख दिया है। तो आईडी को तभी यूज करें जब इसका इंपॉर्टेंट काम हो। गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर किस लिए यूज किए जाते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एंड यस, अगर आपको 4 टाइप का सेलेक्टर जानना है, यस, एक और टाइप का सेलेक्टर होता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा। जैसे ही आप इस वीडियो के ऊपर 100 से ज्यादा लाइक्स कर देंगे ना, तो वैसे ही 4 टाइप का सेलेक्टर की वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नो ब्रेन्स।